हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तमन्ना और स्वागत है आपका हमारे चैनल अ पिंच ऑफ टेस्ट में। हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। टुडे आई एम शेयरिंग अ हेल्दी ओवरनाइट सोक्ड ओट्स रेसिपी। नो कुकिंग नीड, सुगर फ्री, सुपर हेल्दी एंड इजी टू मेक एट बिजी मॉर्निंग। इफ यू नेवर हर्ड ऑफ ओवरनाइट ओट्स बिफोर, लेट मी गिव यू अ क्विक लिटिल प्राइमर। Night oats are a no-cook method of making oatmeal. Instead of cooking your oats with liquid on the stove or in the microwave, use stir-rolled oat, fascinated oats with the liquid and other mixings, and let it rest in the fridge overnight. In the morning, you have a pudding-like croissant that is perfect for easy grab and go breakfast. और इसे मैं सोक कर दूंगी फॉर 10 to 15 मिनट्स। आपके पास जो भी ओट्स अवेलेबल हो, रोल ओट, इंस्टेंट ओट्स, तो आप वो ही ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने पे यहाँ पे लिए हैं पम्पकिन सीड्स 1 टेबल स्पून। इसे मैं सोक कर दूंगी, इसे मैं होल नाइट सोक करना है। तो जब तक ये शोक हो रहा है, मैं बाकी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 स्मॉल साइज के डेट्स हैं ये, तो इसके मैं सीड्स निकाल लूँगी ऐसे। अगर आपके बिग साइज के हैं तो 2 लें, या फिर अगर आपने ज़्यादा स्वीटनेस पसंद होती है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे मैं सारे सीड्स को ऐसे निकाल लूँगी। आपके पास जो भी डेट्स अवेलेबल है वो ले सकते हैं। ये मैंने 1 मैंगो लिया है, तो इसे मैं पील करके कट कर लूंगी, हाफ कट करूंगी, पूरा नहीं कट करूंगी। मैंगो मैंने पील कर लिया है, मैं इसे कट कर लूंगी। आप मैंगो की जगह कोई और फ्रूट भी ले सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसे आप ले सकते हैं। मैंगोज को मैंने कट कर लिया है। अब मैं एक जार लूंगी, इसमें मैं ऐड करूंगी 3/4 कप मैंने कट लिया है, उसी कप से मैं ले लूंगी 1/4 कप वाटर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने कट करके रखे हैं मैंगोस, डेट्स, सोक्ड आमंड। ये हमने सोक्ड आमंड लिया है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। ब्लेंड कर लेना है आपको किसी जार या ब्लेंडर में। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं एक ग्लास या जार, जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने उसे लेना है, और इसमें मैं ऐड करूँगी चिया सीड्स। ये इससे हमें ओमेगा 3 का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसमें मैं चिया सीड्स ऐड कर दूँगी। और जो ओट्स हमने सोक करके रखे थे वो भी उसे मैंने धो लिया है पानी से, रनिंग वाटर में, तो इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने अभी दही, मैंगो और आमंड का मिक्सर बनाया है उसे। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ अ स्पून।
इसलिए मैंने मिक्स कर दिया हुआ है। बेस्ट थिंग अबाउट ओवरनाइट सोक्ड ओट्स इज दैट वंस इट्स रेफ्रिजरेट इन फ्रीज इट बिकम्स रेसिस्टेंस स्टार्च। सो अब मैं इस पर ढक दूंगी और इसे हम फ्रिज में रख देंगे अप्रॉक्स 10 to 12 hours। तो मिलते हैं 10 to 12 hours के बाद। हो चुके हैं, लेट्स सी। ये देखें ओट्स बिल्कुल ही इसमें मिल चुका है, ये एक अच्छी सी स्मूथी टाइप बन चुकी है। इसे एक बार स्पून से ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं अब डाल दूंगी जो हमने पंपकिन सीड्स को सोक करके रखा था उसे। And it's ready your healthy breakfast smoothie oats overnight soaked oats। Thank you for watching, like, share and subscribe.